घोषित करे, 18,000 रुपया मासिक मानदेय भुगतान लागू करे, आशा फैसिलिटेटर को उच्चतर मानदेय भुगतान करे, योग्यता धारी आशाओं के लिए नर्सिंग स्कूलों में 50% सीट की आरक्षित करे, उच्च स्तरीय समिति अनुशंसा का लाभ दिया जाए, सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए, आशाओं को मदवार विवरण के साथ प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। आप लोग मैंने कि जब तक सरकार आप लोग की मांग पूरी नहीं करती आप लोग हड़ताल पर रहेंगे? हाँ, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। इसका जैसे है ना कि आप लोग हड़ताल करिएगा तो हड़ताल क्या है, हड़ताल तो वो करता है जिसको महीना व्हाट्सएप में भी डाल दीजिए सर, डाल दीजिएगा ना। हाँ, जिसको महीना महीना मिलता मेरा है वो आपका जो महीना मिलता है उसे आप लोगों को तो उसी के लिए हम लोग किसी आशा को अगर लेके चले जाएगा जबरदस्त उसको थोड़ा नाम दबट नहीं करेंगे तो आप लोग नहीं लीजिएगा ना। उस समय बोलिएगा बेटी से पता विदाई होगी हम नहीं जानते का तो हो हल्ला जैसे करेगा हड़ताल में तो कोई। आप लोग जो ये धरना कर रहे हैं कितने मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं? हम लोग अपना 12 सूत्री मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कितना आप लोग कैसे करता है? हाँ, हम लोग एक सबसे मिला के 135 आशा कार्यकर्ता है। हड़ताल कब तक आप लोग मने की रहेंगे जब तक आपको? हम लोग का जब तक 12 सूत्री मांग है, 12 सूत्री मांग हम लोग का पूरा हो जाएगा हम लोग अपना हड़ताल तोड़ देंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग अपना हड़ताल नहीं तोड़ेंगे।